नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या योजना के बारे में। वर्ष 2007 में ही बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य था कि विवाह के समय गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सके। ये योजना बाल विवाह को रोकने तथा कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए साथ साथ विवाह के निबंधन को भी प्रोत्साहित करना था। लगभग 14,88,326 लाभुक वर्ष 2012 से अब तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं। वहीं 1,28,910 लाभुकों को इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना का लाभ दिया गया था, जिसमें कुल व्यय 64,45,50,000 है। इस योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी को समाज कल्याण विभाग के अनुसार आवंटन दिया जाता था। ऐसे में लाभुकों द्वारा इस योजना का लाभ प्रखंड स्तर से ही उठाया जाता था, लेकिन वर्ष 2012 में RTPS के माध्यम से इस योजना में आवेदन किए जाने लगे थे, पर साल 2019 में भुगतान में देरी या दूसरे समस्याओं को देखते हुए इसे ई सुविधा पोर्टल पर DBT के माध्यम से पेमेंट किया जाने लगा। फिर आगे चलकर ई पोर्टल पर भी अपलोड करने में कोरोना के कारण देरी हुई, इसलिए आवेदन को RTPS काउंटर से प्राप्त करके प्रखंड स्तर से ई सुविधा पोर्टल पर अपलोड करवा कर स्वीकृति दी जा रही है, जिससे नियमित रूप से लाभुकों को इसका लाभ दिया जा सके। आइए अब अपने चर्चा के बीच हम जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्रता के बारे में। इस योजना के तहत कन्या के माता पिता को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के समय वर वधु बालिग हो अर्थात लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है। साथ ही साथ शादी 22 नवंबर 2007 के बाद हुई हो तो विवाह का निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन रहे। चलिए अब हम उन जरूरी दस्तावेजों की चर्चा कर ले जो दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे। सबसे पहले आवेदक को आधार कार्ड, आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, BPL का राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, लड़की की जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ दहेज नहीं देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जैसे कागजात लगने हैं। ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ वही आवेदक उठा सकते हैं जिसकी वार्षिक आय 60,000 तक की है। बता दें कि इस योजना में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के ब्लॉक में RTPS काउंटर पर जाना होगा। फिर यहां आने के बाद दिए गए आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें। फिर उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भर के दस्तावेज को स्वप्रमाणित कर उस प्रपत्र के साथ संलग्न कर दें। उसके बाद इस प्रपत्र और संलग्न सभी दस्तावेजों को RTPS काउंटर पर जमा कर दें। फिर इस योजना के तहत 51,000 की राशि आपके खाते में दे दी जाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।